हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी योगा विद एबी। आई एम अलका और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वॉकिंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं हमारी सांस फूलने लगती है, हमारे नीज़ में पेन होने लगता है, हमसे इतना वॉक नहीं किया जाता, चला फिरा नहीं जाता। तो उसके क्या रीजंस है और किस तरीके से आपको वॉक करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है क्लोदिंग। आप जो कपड़े वियर कर रहे हैं वॉकिंग के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करते हैं। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो आप वॉक प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे। सपोज़ आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपना जो साड़ी या ट्रेडिशनल वियर, जो भी इंडियन ट्रेडिशनल वियर है, उसे पहन के मैं वॉक कर लूँ, तो नो, क्योंकि वो कम्फर्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपके वॉक करने में पैर में कभी अड़ रहा है या कहीं ना कहीं वो टच हो रहे हैं, तो आप वॉक ही नहीं कर पाते। उसकी वजह से आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो बिगड़ जाता है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसकी वजह से भी जब आप चल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी के बैक में पेन होता है या नीज़ में पेन होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपके जो कपड़े हैं वो हमेशा कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि मैंने पहना है टी शर्ट और लेगिंग, इस टाइप का आपका क्लोदिंग होना चाहिए। और अगर आप डेनिम पहन के करना चाहते हैं तो नॉट पॉसिबल, डेनिम बहुत टाइट होता है और आपके पैर उतना फ्लेक्सिबली मूव नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा वो क्लोदिंग पहननी चाहिए जिसमें ल्याकरा हो, कॉटन हो, टी शर्ट हो, लैगिंग हो, इस टाइप का आपकी ड्रेस पहनना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज, आप हमेशा वॉकिंग करते टाइम शूज़ पहने। कौन से शूज़? जो रनिंग शूज़ आते हैं या फिर वॉकिंग के लिए अलग से स्पेसिफिक वॉकिंग शूज़ आते हैं, वो आप पहनिए, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आप स्लीपर या सैंडल में अगर सोच रहे हैं कि हम उसमें वॉक कर लें, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो भी कंफर्टेबल नहीं होता है। आपका गिरने का, चोट लगने का या कहीं पे भी टकराने का डर रहता है, या फिर आपके पैर में, क्योंकि उसमें आपके एंकल है उसका भी ट्विस्ट होने का डर रहता है, कहीं पे इधर उधर आपका पैर ऊंचा नीचा पड़ गया या कोई पत्थर आ गया बीच में। तो उस चीज़ से बचाने के लिए शूज़ इज़ वेरी गुड, वो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वॉकिंग के टाइम में पहनने के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज फूड। आपको अजीब लगेगा सुनने में कि फूड का वॉकिंग से क्या रिलेशन है, बट यस, ऐसा रिलेशन है इनके बीच में। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वॉक करने के लिए जाते हैं और वॉक करते टाइम में कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई चिप्स खा रहा है कि हम खाते खाते वॉक कर लेंगे, दिस इज़ नॉट गुड। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, तो आप एक तो वॉक कर रहे हो, ऊपर से आप स्मोकिंग कर रहे हो, जब आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उस टाइम में आप उसे स्मोक दे रहे हो, देन क्या होगा आपकी बॉडी के साथ में? ये अप्रोप्रिएट नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड थिंग कि आप अपने वॉक करते टाइम में ये सारी चीज़ें करें। नो, आपको ऐसी कोई भी चीज़ वॉकिंग के टाइम में नहीं करनी है। नॉर्मल आप वॉक कीजिए प्रॉपरली, और अगर हो सके तो आप हमेशा, अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उस टाइम में कुछ खाना खाया हुआ नहीं होता है, हो सके तो आप हमेशा एक बनाना खा के और फिर बाद में आप वॉकिंग के लिए जाइए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ब्रीदिंग। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है? सांस फूल जाती है। आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के आपने सुना भी होगा कि मैं जब वॉक करने जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे सांस फूल जाती है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे चेस्ट में पेन होता है। तो ये क्यों होता है? तो आपको पता है कि ब्रीद कैसे करना है? मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग की क्या टेक्निक होती है जब आप वॉक करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप हमेशा नाक से ब्रीथ कीजिए। मींस आपको नाक से ही सांस लेनी है और छोड़नी है। मुंह से आपको किसी भी कीमत पे आपको सांस लेनी या छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जबकि नाक से हम सांस लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो लोगों की बैड हैबिट्स होती है कि उन्हें ना आदत होती है मुँह से सांस लेने की। तो मुँह से जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो गला है वो ड्राई हो जाता है, आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। जबकि नाक से सांस हम लेते हैं तो उसमें आपको, जब आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो हमारी जो नाक से सांस लेते हैं तो बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह होते हैं, तो ऑक्सीजन प्रॉपरली जाती है और जो आपका गला है वो ड्राई नहीं होता है और आपको थकान भी नहीं होती है। इसीलिए हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए। अब इसमें ये होता है कि लोग बोलते हैं कि कैसे हम अपना जो नाक से सांस लेने की तरीका है उसको सुधारें। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, वो कपालभाति का है, काफ़ी लोग कपालभाति करते हैं, उसमें मैंने वो बताया है तरीका, कपालभाति से आप कैसे अपना जो सांस लेने का तरीका है उसे सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो वीडियो देख के आप अपने नाक से कैसे आपको सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है,
वो आप अपना तरीका इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपको वॉकिंग में या रनिंग में सब जगह आपको हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट है, चेस्ट ओपन होनी चाहिए। आपका जो बॉडी है जब आप वॉक कर रहे हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट पोजीशन होती है, बिल्कुल आगे की तरफ झुक के आपको नहीं चलना चाहिए। इसकी वजह से आपके जो पैर हैं उन पे बहुत ज़्यादा गलत तरीके से प्रेशर पड़ता है और आपका जो बॉडी पोस्चर है वो गलत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि आप कभी भी नीचे देख के मत चलिए, आपकी जो नज़रें हैं वो सीधी बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर है, आपको सामने की तरफ कोई चीज़ दिख रही है, आई लेवल पे उसे टारगेट करके चलिए कि आपको बिल्कुल सीधा चलना है, झुकी हुई बॉडी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या फिर आप अगर गेम खेलते हुए चल रहे हैं, मोबाइल देखते हुए चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है। आप वॉकिंग हमेशा अल्टरनेट मेथड में कीजिए। ब्रिस्क वॉक की आपने सपोज 200 या 300 मीटर के लिए ब्रिस्क वॉक की, फिर आपने 50 मीटर के लिए एक नॉर्मल सी वॉक की, स्लोली वॉक कर रहे हैं, देन अगेन आप ब्रिस्क वॉक स्टार्ट कर दीजिए। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड होता है वॉक करने का। और इसमें अगर आपको ये लगे कि आपका गला ड्राई हो रहा है, क्योंकि आप अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है थोड़ी डिस्टेंस के बाद में आपको प्यास लगेगी, तो आप थोड़े थोड़े पैचेज में जब आप स्लो वॉक कर रहे हैं उस टाइम में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी, आप एकदम से ज़्यादा पानी मत पीजिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये वॉकिंग का सबसे अच्छा तरीका है। और जब भी आप वॉकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पहले नहीं करते थे या अब स्टार्ट कर रहे हैं, या पहले आप कभी प्रॉपर नहीं कर पाए हैं, तो हमेशा धीरे धीरे आप अपनी डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। पहले 1 किलोमीटर की कोशिश कीजिए, देन आप 1.5 कीजिए, फिर 2 किलोमीटर्स, और ये जो डिस्टेंस है वो आपको वीकली बढ़ानी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी भी उसके लिए कंफर्टेबल हो जाए। और नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी से भी बनिए। आपको गूगल के बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, और ताकि आप अपना जो रूटीन है उसे ट्रैक कर सकें, आपने कितना वॉक किया, आपने किसने कितने स्टेप्स पूरे दिन में कवर किए, उसके लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। गूगल का ऐप है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनसे आप अपना जो मंथली वीकली जो गोल है उसे आप अचीव कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि आप दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स कवर कर सके। आई नो कि इनिशियली आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आप धीरे धीरे वीकली इसे इंक्रीज कीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, और जब आपकी आदत हो जाए तो कम से कम 10,000 स्टेप। सो स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।